कैप्टन है, इस कारण से अकाली दल चुप है और उनका साथ देता है। देखिए मैं आपको बताऊं, राजनीति के अंदर आने का मतलब ये नहीं है कि आप देश के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, देखिए आपको या मुझको या किसी भी पार्टी को, हर पार्टी के नेता को अपना एक किरदार बुलंद करना पड़ेगा। देश के लोग जो है पॉलिटिशियन को अच्छी नजर से नहीं देखते, उसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। इसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, पंजाब की हालत इतनी खराब है, वहां पर ड्रग्स का मामला है, करप्शन का मामला है, जो माइनिंग में करप्शन हुई है, जो 4.5 साल जिसमें 2.5 साल सिद्धू साहब भी मंत्री रहे हैं, सिद्धू साहब अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। अब 4.5 साल आपने काम नहीं करा, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर नेशनल टीवी पे आके कहते हैं जी 4.5 साल कोई काम नहीं हुआ, जो मैनिफेस्टो में 18 वादे किए गए थे वो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक जो पब्लिक जो प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई जाती है, पब्लिक स्टेटमेंट, देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पार्टी के अंदर होता है लेकिन वो बंद कमरे में सॉर्ट आउट होता है। जब एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई जाती है, अपनी पार्टी को बदनाम किया जाता है, पार्टी भी मां की तरह होती है, जिस तरह देश है उस तरह पार्टी, पार्टी का सम्मान रखना भी पार्टी के हर कार्यकर्ता हर नेता का फर्ज है, इनका इंटरनल मामला है। लेकिन जब आप एक पब्लिक स्टेटमेंट देते हो तो उसके अंदर सब लोग जुड़ते हैं, सब राजनीतिकों को अपना संज्ञान देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो दूसरा मामला है, जो सिद्धू साहब के जो दो एडवाइजर हैं जिन्होंने बहुत ही सेंसिटिव, मैं कहता हूं इसके ऊपर बहुत कड़ा जो है एक्शन लेना चाहिए कांग्रेस को, सिद्धू साहब का अभी तक कोई बयान नहीं आया, भारत सरकार को भी बयान लेना चाहिए और इसके ऊपर एक लाइन डालनी चाहिए कि इस लाइन तक आप बोल सकते हो, चाहे आप एक पॉलिटिशियन हो, चाहे आप सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे आप कोई भी हो, आप देश की सुरक्षा को लेकर, देश के दुश्मन को लेकर, ये बॉर्डर सिक्योर बॉर्डर स्टेट है, यहां पे हम पाकिस्तान के, आपको पाकिस्तान की बात करने का अधिकार किसने दिया? आप पंजाब की बात करिए, आप पंजाब की डेवलपमेंट की बात करिए, पंजाब के लोगों की बात करिए, वहां के रोजगार की बात करिए, वहां की हेल्थ की बात करिए, वहां की एजुकेशन की बात करिए। मैं आपको बताता हूं वहां हेल्थ का इतना बुरा हाल है, वहां हॉस्पिटल्स नहीं है, एक आदमी इलाज की वजह से उसको पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता है। अभी जैसे हमारी सरकार में हरसिमरत कौर बादल ने बठिंडा में एम्स बनाया, आप लोगों की डेवलपमेंट के बारे में बात करिए, आप बिजली को कैसे सस्ता किया जाए उसके ऊपर बात करिए, आप जो जो बेसिक मुद्दे हैं, जो गरीब आदमी का मुद्दा उसके ऊपर बात करिए। आपको सिद्धू साहब को इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि वो अपने शब्द वापस लें और देश से माफी मांगे। ये बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है और हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, चाहे आप कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, चाहे अकाली दल को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को। देश प्रेम सबका है, हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांध रहे, अगर किसी से गलती भी हो जाती है, गलत बात कही जाती है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, तहसीन बोलिए, फिर उसके बाद राजकुमार।